वेलकम ऑल टू माय चैनल फिजिक्स स्पार्क, जहां पर हम ग्रेजुएशन फिजिक्स के साथ साथ बेसिक फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मीनाक्षी, आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच फिजिक्स। यू कैन फाइंड मी एट फिजिक्स बेसिक 2020@gmail.com। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आज हम मैकेनिक्स, यू कैन से क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर ग्रेजुएशन, उसका टॉपिक करने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो इसमें हम बेसिकली कंजर्वेशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर मोमेंटम को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। If there is no external force acting on the particle, the momentum of the particle is constant. अब momentum होता क्या है? देखिए, momentum की अगर हम बात करते हैं तो momentum को हम denote करते हैं P is equal to मोमेंटम p इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो है, ये दिस इज द स्टेटमेंट फॉर कंजर्वेशन थ्योरम, दैट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल देन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब इसके बारे में देखते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कि जब मोमेंटम चेंज करता है रेट के साथ, मतलब जब मोमेंटम जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कहते हैं कि जब फोर्स जीरो है, व्हेन फोर्स इज जीरो, दैट मीन्स दिस टर्म डीपी बाय डीटी शुड ऑल्सो बी जीरो। क्लियर? तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, और जब फोर्स हमारे पास जीरो है, दैट मीन्स dp by dt भी जीरो है। और ये एक मैथमेटिक्स का रूल लगा लीजिएगा आप, ये एक रूल है कि जब किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव, दैट इज व्हेन डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी इज जीरो, देन That quantity is constant, conserved, is constant. तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन होगा कि जो P है, that is constant. और P क्या है हमारे पास? Linear momentum. That is constant. And this is the statement of law of conservation of linear momentum, that when that force is applied is zero, then momentum is constant. देखिए, इसको मोर दूसरे तरीके से समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? मोशन। और बॉडी मूव कब करेगी? जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा, फोर्स जीरो है, अब मास क्या होता है? किसी भी बॉडी का कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर? फोर्स हमने लगाया नहीं है, बॉडी मूव करेगी नहीं, मतलब बॉडी अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी। मास ऑलरेडी उस बॉडी का कांस्टेंट है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास? कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फिजिक्स स्पार्क।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.